उसको लेकर कुछ विचार हो या कोचिंग क्लासेस हो उनको लेकर कोई विचार किया हो? नहीं, सुझाव आए हैं पर उसके ऊपर, क्योंकि ये फोरम अभी वो निर्णय करने वाली फोरम नहीं थी, ये सिर्फ सुझाव लेने वाली फोरम थी, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए इस प्रकार के कि शादी के बारे में विचार करना चाहिए, पर वो निर्णय नहीं है, अभी निर्णय राज्य सरकार लेगी, काम करेंगे और इस कुप्रथा को, इस कुप्रवृत्ति को बढ़ने से। महत्वपूर्ण बैठक हुई क्राइसिस मैनेजमेंट की, क्या क्या कुछ निर्णय लिए गए? देखिए निर्णय नहीं, हमने एक तो प्रशासन की पूरी तैयारियां क्या क्या है ओमिक्रॉन को लेकर तो उसकी जानकारी ली है, और हमने आग्रह ये किया कि होम आइसोलेशंस को लेकर एक सिस्टमेटिक सिस्टम यहाँ पर डेवलप करें, क्योंकि ये जो वेरिएंट है बहुत जल्दी फैल रहा है, पर ज़्यादा हार्मफुल नहीं, जान लेने वाला नहीं है, इसमें मृत्यु दर बहुत कम है, ऐसा नहीं हो कि लोग हॉस्पिटल भागने लगे और हॉस्पिटल में बेड कम पड़ने लगे, ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए होम आइसोलेशन मेडिकल किट ये तैयार करके उनके घर तक पहुंचाना और उनकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के माध्यम से करना, वीडियोग्राफी से उनको सलाह देना, ये सब बातों पर विचार किया गया। कुल मिलाकर इस जो कोविड का तीसरा प्रहर है इससे कैसे निपटा जाए और प्रशासन की क्या क्या तैयारी और वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है। दूसरा ट्रैफिक को लेकर एक विस्तार से चर्चा हुई, तो हमने एक सुझाव दिया है कि एक परफेक्ट ट्रैफिक सेल बनाया जाए, और वो ट्रैफिक सेल ऐसा बनाया जाए जो सक्षम हो, और ऐसा नहीं कि कोई सब इंजीनियर को बिठा दिया जाए, एक परफेक्ट जैसे सिटी इंजीनियर होता है प्लानर, वैसे ट्रैफिक प्लानर भी हो शहर का, क्योंकि अभी हमारी शहर ये मेट्रो सिटी हो गई है, अब इसमें ट्रैफिक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो दो प्रकार के काम, एक तो हमने ये भी सुझाव दिया कि आने वाले 25 वर्षों में ट्रैफिक कैसा हो, ट्रैफिक का प्लान बनना चाहिए, हमने 2002 में बनवाया था तो वो अब लगभग 25 वर्ष होने आ गए हैं, तो अब एक नया 25 वर्ष का प्लान बनाना चाहिए, जितने भी ब्रिज बने हैं ये जो हमने 2002 में ट्रैफिक प्लान बनवाया था उसके सुझाव के अनुसार ही बने, पर आने वाले 25 वर्षों में और ट्रैफिक कितना होगा और कितना हमको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा इसका प्लान हमें बनाना चाहिए, एक देश की जो बढ़िया संस्था हो जो ट्रैफिक में काम कर रही हो उससे बात करके एक बहुत वृहद ट्रैफिक प्लान इंदौर का बनना चाहिए और उसके अनुसार शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इस विषय में आज चर्चा हुई है। एक तीसरा बड़ा संवेदनशील विषय है वह है नशा, ये नशा जो युवाओं में बढ़ता जा रहा है विशेषकर ये कॉलेज तक पहुंच गया है जो कि हमारे लिए बहुत ही अलार्मिंग है, और ये युवा पीढ़ी भटके नहीं इसके लिए प्रशासन अभी से जागृत होकर काम करे, और किसी भी हालत में इंदौर शहर नशा फ्री होना चाहिए, कम से कम ये जितने भी ड्रग्स के नशे जो चालू हुए हैं इससे इंदौर शहर को बचाना हम सब का नैतिक दायित्व है और इसके लिए हम सब लोग मिलकर